हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 15 जनवरी। तो 15 जनवरी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को उसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @gov.naukri लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 14 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 15 जनवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो कल का आपका टेस्ट था कि किसे ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम आपको बताना था, तो उनका नाम है आदि गोदरेज। आदि गोदरेज के बारे में आप लोग को मैंने बताया था कि ये जो आदि गोदरेज है ये गोदरेज कंपनी के चेयरमैन है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए, और दूसरा टेस्ट था आपका AIBA की नवीनतम विश्व रैंकिंग में किसने नंबर एक स्थान प्राप्त किया। तो उनका नाम है मैरी कॉम, जो कि हाल ही में AIBA की जो रैंकिंग जारी हुई है बॉक्सर्स की, उसमें इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बी, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 जनवरी के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है। तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस जो है ये हाल ही में 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिन 14 जनवरी को क्यों मनाया गया। तो हमारी भारतीय सेना के जो पहले फील्ड मार्शल थे जिनका नाम है KM करियप्पा, उन्होंने 14 जनवरी 1953 में भारतीय सेना में अपनी सेवा देने के बाद रिटायरमेंट ली थी। तो इसीलिए 14 जनवरी को ये सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है KM करियप्पा की याद में। अब ये तो आपको इंपॉर्टेंट बातें पता लग गई सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के बारे में, बट अब तक जनवरी के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी साथ में आपको याद रखना होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का दिन मनाया गया। और उसके बाद आपको याद रखना है 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, जो ब्रेल लैंग्वेज है उसे बढ़ावा देने के लिए। और उसके बाद आपको याद रखना है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और ये दिन इसलिए मनाया गया क्योंकि इस दिन हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया था 9 जनवरी को। और उसके बाद याद रखना 10 जनवरी तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया, विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, ताकि जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जा सके। और उसके बाद याद रखना आपको 12 जनवरी तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी को। और ये दिन क्यों मनाया गया, क्योंकि 12 जनवरी को आप लोग को पता ही होगा स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, तो उन्हीं की जयंती वाले दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी, और जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट डे आपको बताया वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रही हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना का शुभारंभ किया है। तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। हाल ही में सिक्किम की सरकार ने एक परिवार यानी कि 1 Family 1 Job योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना को किसने शुरू किया है, तो सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पवन कुमार चामलिंग, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। अब ये योजना क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो वैसे तो आपको इस योजना के नाम से क्लियर हो ही रहा है। देखिए, ये योजना ये है कि सिक्किम की जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें हर फैमिली के एक मेंबर के पास गवर्नमेंट जॉब जरूर होनी चाहिए, और इस योजना के तहत हर फैमिली के एक मेंबर को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इस योजना का मेन मकसद ही यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके।
अब क्योंकि इस योजना को सिक्किम सरकार ने शुरू किया है, तो सिक्किम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, कब कल भी आपको बताया गया था सिक्किम के बारे में। यहाँ पर है सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, गवर्नर है गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर है पवन कुमार चामलिंग, मैंने बता दिया आपको। सिक्किम के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें एक एक है और विधानसभा की सीटें 32 हैं। और सिक्किम का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और जो फोक डांस है सिक्किम का वो है सिंगी छाम। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको सिक्किम के बारे में नोट करनी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य ने जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण लागू किया है। और जो गुजरात है ये ऐसा पहला राज्य बन गया है इस 10% आरक्षण को लागू करने वाला। अब इससे क्या फायदा होगा कि जो गुजरात के सामान्य श्रेणी के लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थाओं में 10% तक का आरक्षण दिया जाएगा। अब क्योंकि इस आरक्षण को गुजरात ने लागू किया, तो गुजरात के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री वो है विजय रूपानी, और गवर्नर है यानी कि राज्यपाल वो है ओम प्रकाश कोहली। और गुजरात के अंदर लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 182। और गुजरात का जो फोक डांस है वो है गरबा, और गुजरात का नेशनल पार्क भी आपको पता होना चाहिए, तो वो है गिर नेशनल पार्क। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको गुजरात के बारे में नोट करनी थी और इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के बीच 2+2 इंटरसेशनल बैठक कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये बैठक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है। इसका नाम है 2+2 इंटरसेशनल बैठक। और ये बैठक क्यों ऑर्गेनाइज की गई है? तो इन दोनों देशों के बीच में रक्षा और विदेश नीति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस बैठक में हमारे भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो हमारे भारत के जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं जिनका नाम है गोरगाल दास, और जो रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं जिनका नाम है शंभू एस कुमारन, ये दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत की तरफ से इस बैठक में। अमेरिका के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो बैठक है ये अमेरिका के साथ ऑर्गेनाइज की गई है। तो यहाँ पर अमेरिका, अमेरिका कैपिटल है वाशिंगटन, करेंसी है यूएस डॉलर, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। इतनी बहुत बातें आपको अमेरिका के बारे में भी नोट करनी थी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। देखिए ये जो गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी इसमें महाराष्ट्र ने पदक तालिका में यानी कि जो मेडल्स कैटेगरी थी उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। और ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र ने कितने मेडल जीते हैं, तो 91 मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने, जिसमें से 32 गोल्ड मेडल जीते हैं और 24 सिल्वर मेडल जीते हैं और 35 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। अब क्योंकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, तो दूसरा और तीसरा रैंक भी तो आपको पता होना चाहिए। तो जो दिल्ली है ये दूसरे रैंक पे है, दिल्ली ने 24 गोल्ड मेडल जीते हैं और 17 सिल्वर मेडल जीते हैं और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और तीसरे स्थान पर है हरियाणा, हरियाणा ने 18 गोल्ड मेडल जीते हैं, 20 सिल्वर मेडल जीते हैं और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फर्स्ट थ्री जो रैंकिंग है वो आपको याद रखनी है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोगों को बताया गया था जब ये गेम्स शुरू की गई थी, होप आपको याद होगा। देखिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये 9 जनवरी से स्टार्ट हुई है। और ये गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? तो ये गेम्स पुणे में ऑर्गेनाइज की है, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, और पहले स्थान पर भी महाराष्ट्र ही है। किस मंत्रालय ने इन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया था? तो हमारे युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा ये गेम्स ऑर्गेनाइज की गई थी। खेल मंत्रालय के मंत्री का नाम भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब क्योंकि ये जो गेम्स है ये महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज भी की गई थी, महाराष्ट्र पहले स्थान पर भी है, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको नोट करना होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव, लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19, विधानसभा की सीटें 288। और जो फोक डांस है वो है पवारी नाच, और जो नेशनल पार्क है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। आज का अगला क्वेश्चन है, किसको पहला
फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार दिया गया। तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, जिन्होंने हाल ही में फिलिप कोटलर रेजिडेंशियल पुरस्कार जीता है। और यहाँ पर आपके लिए नरेंद्र मोदी जी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो फिलिप कोटलर रेजिडेंशियल अवार्ड है ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, यानी कि इन जो अवार्ड्स हैं इनकी शुरुआत ही 2019 में ही हुई है। तो पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को ही दिया गया और ये जो अवार्ड है ये अब हर साल दिया जाएगा नेताओं को, और उन नेताओं को दिया जाएगा जिन्होंने देश की तरक्की में, देश को चेंज करने में कुछ अपना विशेष योगदान दिया हो। और इस अवार्ड का जो नाम रखा गया है ये प्रोफेसर फिलिप कोटलर के नाम पर रखा गया है। जो प्रोफेसर फिलिप कोटलर थे ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के मार्केटिंग में एक विशेष प्रोफेसर थे जिनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का शुभारंभ किया है? तो पिक्चर देख के आप लोग को पता लग गया होगा, वो हमारे खेल मंत्री हैं जिनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का शुभारंभ किया है। और ये जो महोत्सव है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये महोत्सव युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो नई दिल्ली में इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। थीम भी पता होना चाहिए 2019 का, क्योंकि 2019 में ये गेम्स ऑर्गेनाइज महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो 2019 का थीम है बी द वॉइस ऑफ द न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड द कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी, ये इसका थीम है 2019 का, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो महोत्सव है ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? तो हमारी जो इंडियन यूथ हैं उन्हें सार्वजनिक मुद्दों में शामिल किया जा सके, इसलिए इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है नमिता गोखले, सी ऑप्शन आपका सही है। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है नमिता गोखले जी, जिन्होंने हाल ही में सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता है। ये अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया? तो इनका बहुत ही फेमस एक उपन्यास है जिसका नाम है थिंक टू लीव बिहाइंड, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा, इससे पहले भी इन्हें एक अवार्ड मिल चुका है जो कि भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल के दौरान इन्हें दिया गया था। किस कैटेगरी में दिया गया था? तो बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन रिटन बाय अ वुमेन ऑथर श्रेणी में इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, PBL का खिताब किसने जीता है, यानी कि प्रीमियर बैडमिंटन लीग का जो खिताब है वो किन्होंने जीता है? तो उनका नाम है, तो इस टीम का नाम है बेंगलुरु रैपर्स। हाल ही में बेंगलुरु रैपर्स ने प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब जीता है। और बेंगलुरु रैपर्स ने फाइनल्स में किसे हराया? तो मुंबई रॉकेट्स को हराया उन्होंने फाइनल्स में। और बेंगलुरु रैपर्स के बारे में भी आपको याद रखना होगा क्योंकि इन्होंने पहली बार प्रीमियर बैडमिंटन लीग का खिताब जीता है। और ये जो प्रीमियर बैडमिंटन लीग है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये लीग बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। अब बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किसको TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका नाम है डैनियल कैलहन, जिसे हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। और जो TCS है यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी है, उन्होंने डैनियल कैलहन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर भी नियुक्त किया है TCS कंपनी का। TCS के बारे में आपको पता चाहिए, फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1968 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। चेयरमैन भी पता होना चाहिए, तो उनका नाम है नटराज चंद्रशेखर। MD और CEO का नाम भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो उद्घाटन है केरल में किया गया, इसका उद्घाटन। और इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? तो जो लोग अपना स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो, उन्हें ये बताया जा सके कि स्टार्टअप के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो इसलिए इसको शुरू किया गया है।
केरल में इसका उद्घाटन किया गया, तो केरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है बनवारी पालानी स्वामी सत्यशिवम। लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9, विधानसभा की सीटें 140। और फोक डांस आपको पता होना चाहिए केरल का, तो वो है चखिया कोथू, और जो नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया है, तो चेन्नई की ट्रैफिक पुलिस है वो जिन्होंने हाल ही में सड़क सुरक्षा के लिए एक रोबोट को अपनी सेना में शामिल किया। रोबोट का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो रोबोट का नाम है रोडियो। इस रोबोट का क्या काम होगा कि जो लोग पैदल जाते हैं उन्हें सड़क वगैरह पार करवाने में हेल्प करेगा, और जो यातायात के प्रबंधन है उसमें ये जो रोबोट होगा ये चेन्नई ट्रैफिक पुलिस की मदद करेगा, तो इसलिए इसे चेन्नई ट्रैफिक पुलिस की सेना में शामिल किया गया। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी 15 जनवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में दो टेस्ट दिए जाएंगे आपको, तो पहला क्वेश्चन आपका कि गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 8 श्रेणी में किसने खिताब जीता, उनका नाम आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। दूसरा टेस्ट है कि किस राज्य ने हाल में अमा घरे LED योजना शुरू की है, उस राज्य का नाम बताना है। साथ ही में राज्य के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाती हैं वो भी आपको बतानी है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रही हमारे साथ। थैंक यू।